भारत की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन स्थल के कई किलोमीटर दूर तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। सम्मेलन स्थल भारत मंडपम को भी विशेष रूप से सजाया गया और इसके प्रवेश द्वार के बाहर लगाई गई नटराज की एक विशालकाय मूर्ति ने सबका ध्यान खींचा। 27 फुट ऊंची नटराज की इस मूर्ति को तमिलनाडु के मूर्तिकारों ने बनाया है। इस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे अष्ट धातु सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, टिन, लोहा, पारा और सीसा के साथ कावेरी नदी से निकाली गई मिट्टी से बनाया गया है। दूसरी खास बात है कि इसे उसी परिवार के वंशजों ने बनाया है जिस परिवार ने मध्ययुग में चोल राजवंश के दौरान तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में विश्व प्रसिद्ध नटराज मूर्ति बनाई थी। देवसेना स्थापति के परिवार में चोल राजवंश के काल से ही मूर्ति बनाने की परंपरा रही है। उनके तीन बेटे राधाकृष्ण स्थापति, श्रीकंद स्थापति और स्वामीनाथ स्थापति ने इस नटराज मूर्ति को बनाया है। उनके पूर्वजों ने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था। बाद में मूर्ति स्थापित करने के लिए यह परिवार दारासुरम और स्वामी मलाई गया और फिर स्वामी मलाई में ही बस गया। तब से ये परिवार मूर्ति बनाने के काम में लग गया और पिछली 34 पीढ़ियों से मूर्ति गढ़ने के काम में लगा हुआ है। नटराज मूर्ति बनाने वाले तीन भाइयों के पिता देवसेना स्थापति को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। स्वामी मलाई की मूर्तियों की एक खासियत है इनके निर्माण में कावेरी नदी की खास सिल्ट मिट्टी का इस्तेमाल। यही कारण है कि यहाँ की पांच लोहा कांस्य मूर्तियों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिल चुका है। तीन मूर्तिकार भाइयों में से श्रीकंद स्थापित कहते हैं, कावेरी नदी जब तंजावुर की ओर मुड़ती है तो एक खास जगह ये सिल्ट मिलती है जो मूर्तियां बनाने के लिए सबसे अच्छी होती हैं। स्वामी मलाई में बनने वाली अधिकांश मूर्तियों में इसका इस्तेमाल होता है। G20 सम्मेलन स्थल पर लगी नटराज मूर्ति में इसी का इस्तेमाल हुआ है। वो कहते हैं कि इस विशाल नटराज मूर्ति को बनाने का मौका बहुत आसानी से उन्हें नहीं मिला। उन्होंने बताया कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाले इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किया था, जिसमें ये शर्त भी थी कि वे ही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 5 सालों में 300 मूर्तियां बनाई है और GST की रसीद भी संलग्न कर ली थी। इसके अलावा शर्त ये थी कि कॉन्ट्रैक्टर ने 10 फुट से ऊंची कम से कम 10 मूर्तियां बनाई हों। इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए इन भाइयों को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। जब तक उन्हें ये अनुबंध मिल नहीं गया, उन्हें भरोसा नहीं था कि ये मौका उनके हाथ लगेगा। आखिरकार ये अनुबंध उनकी मूर्ति कला गैलरी स्वामी मलाई देवसेना स्थापति सन्स एंड श्री जयाम इंडस्ट्रीज को मिला। 27 फुट की नटराज मूर्ति को बनाने में 7 महीने लगे, जिनमें 3 महीने मोम के सैंपल बनाने में लग गए। मशहूर शास्त्रीय नर्तक पद्मा सुब्रमण्यम और सोनल मानसिंह ने इस मोम के सैंपल की जांच की और कुछ सुधारों के सुझाव दिए। इसके बाद मूर्ति ने अंतिम आकार लिया। 3 मंदिरों में नटराज की मूर्तियों की विशेषताओं पर इस मूर्ति को डिजाइन किया गया। ये मंदिर हैं तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर, चिदम्बरम नटराज मंदिर और कोनेरी राजापुरम मंदिर। श्रीकंद स्थापति कहते हैं, ऐसी जगह नटराज मूर्ति का होना जहां दुनिया के शीर्ष नेता आए हैं, यह परिवार से अधिक स्वामी मलाई और तमिलनाडु के लिए गर्व की बात है।